वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस और मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान आज एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसमें आप एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट या अगर आप किसी भी लाइफ साइंस फील्ड में काम करते हैं तो हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू करेक्टराइज द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया, हाउ टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। जब हम किसी सॉलिड अगार प्लेट पे बैक्टीरिया को कल्चर कराते हैं और 24 आवर या 36 आवर बाद जब हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम बताते हैं कि ये बैक्टीरिया मे बी इट इज़ इकोलाई, मे बी इट इज़ क्लेब्सिएलिया न्यूमोनियाई। तो हम देखते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी करेक्टराइजेशन ऑन सॉलिड मीडिया। सबसे पहले आता है हमारा शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी कि शेप आकृति वी कैन डिफ्रेंशिएट द बैक्टीरिया सर्कुलर शेप में भी सर्कुलर इट मीन्स राउंड राउंड गोल गोल। इरेगुलर शेप कैसी हो सकती है? इरेगुलर जिसका कोई रेगुलरिटी ना हो। थर्ड आता है फिलामेंटस। देख रहे हैं आप फिलामेंटस और राइजोइड। राइजोइड क्या होती है? जैसे स्टेम्स होती है ना पेड़ में, पत्तियां होती हैं पेड़ में, स्टेम्स होती हैं, दैट इज राइजोइड। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया कॉलोनी करेक्टरिस्टिक्स में एलिवेशन। शेप क्लियर हो गया। अनदर इज एलिवेशन, सेकंड इज एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? ये साइड व्यू है। जैसे हम प्लेट पे, ये प्लेट है, इस पे कॉलोनी स्टिकिंग कर दिया, सिंगल कॉलोनी आइसोलेटेड कॉलोनी, और उसको हमने क्या देखा? साइड व्यू देखा, साइड से हॉरिजॉन्टली प्लेट को ऐसे लिया और ऐसे देखेंगे हम, देख रहे हो ऐसे देखेंगे। तो क्या होगा इसमें? इस तरह का अगर दिखाई देता है एलिवेशन ऐसे, तो वो कहलाता है फ्लैट एलिवेशन, फ्लैट। उसके बाद है रेज्ड, अगर इस तरह का एलिवेशन उठा हुआ है, ठीक है। अनदर इज एम्बोनेट एंड पल्विनेट। जैसे कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है सेम ऐसा होता है पल्विनेट। क्लियर। अब बात हम करते हैं थर्ड मार्जिन की, कि मार्जिन कैसा है कॉलोनी का? वो एंटायर है, अंडुलेट है, मे बी इट मे बी फिलामेंटस, फिलामेंटस जैसे फिलामेंट्स लाइक, एंडुलेट एंड लास्ट है कर्ल्ड। कर्ल्ड समझ रहे हो? एक के बाद एक लेयर, जैसे प्याज होती है ना उसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती है, कर्ल्ड। अब बात आती है कॉलोनी का साइज। भाई कॉलोनी छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, और आपने देखे हुए पिन फॉर्म कॉलोनी, जैसे पिन होता है ना ऐसे डॉट लगाया हुआ, इस तरह की भी कॉलोनियां होती हैं, उसके ऊपर एक कॉलोनी ऐसे और उसके अंदर पिन लगा हुआ वो होती है। फिर है अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी ऑन द सरफेस। सरफेस पे कैसी लग रही है? स्मूथ दिखती है, शाइनी है, डल है, वो तो इट इज अपीयरेंस बोलते हैं उसको। अब टेक्सचर, अब हम जैसे पेंट वार्निश खरीदते हैं ना, घर बनता है तो पेंट वाली दुकान बोलता है कैसा टेक्सचर चाहिए। टेक्सचर मीन समझ रहे हो कि ड्राई है कॉलोनी, मॉइस्ट है, म्यूकॉइड है, तो म्यूकॉइड और विस्कस है। अब म्यूकॉइड का एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि कहते हैं ना जैसे प्लेट पर रायता फैल जाता है जैसे हमारे खाने में, तो ऐसी एक पेट्री प्लेट पे म्यूकॉइड कॉलोनी होती है किसकी? प्रोटियस बल्गेरिस, जो फैली हुई कॉलोनी होती है। तो ये हम आज का टॉपिक रहा हमारा। हमने 1 2 3 4 5 6 चीजों में, 6 ऑन द 6 करेक्टर्स जो हमने करेक्टर डिफाइन किए हैं, 6 ऑन द बेसिस ऑफ 6 करेक्टर्स, शेप, एलिवेशन, मार्जिन, कॉलोनी साइज, अपीयरेंस, टेक्सचर, हम जो है कॉलोनी के मॉर्फोलॉजी को करेक्टराइज या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो में रहेगा कलर के बेसिस पे भी हम सेलेक्टिव मीडिया में हम जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर ऑर्डर उसकी जो है स्मेल के बेसिस पे हम कैसे एक कॉलोनी को पहचानेंगे। तो आज का वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।